परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, ये वीडियो बना रही हूँ मैं आज अपने खेतों में आई हूँ, तो खेती की वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये कटाई हो रही है BCS मशीन के साथ मक्खन ग्रास की, ग्रीन फॉर्डर की, क्योंकि हम 3 किले आज जो है कटाई करने वाले हैं ग्रीन ग्रास दे हेलस के लिए। तो हेलस हम हर साल बनाते हैं अपनी गाय के लिए, ताकि गर्मियों में भी जब ग्रीन फॉर्डर ख़त्म हो जाए तो गाय को जो है ग्रीन फॉर्डर हेलस के रूप में मिले। तो मैं दिखा रही हूँ अपने खेतों में, जो हमारे खेतों में लगी हुई है हमारी सरसों। तो इधर वाली जो सरसों है हमने छट्टे से लगाई थी, कहते थे कि छट्टे वाली सरों से जो ज़्यादा झाड़ है वो मैग्नेटिक प्लांटर का आता है। तो जो इधर वाली सरों है, ये साइड वाली हमने वैक्यूम मशीन जिससे साथ हम मक्की बीजते हैं अपने खेतों में, जो बेडिंग बनाती है, तो उसके साथ ये हमने सरों लगाई थी, ये वाली मैग्नेटिक प्लांटर के साथ। और ये जो सरसों हैं हमारी, ये छट्टे वाली थी। तो कहते हैं कि जो छट्टे वाली सरों है उसका झाड़ कम होता है, मैग्नेटिक प्लांटर का ज़्यादा होता है। तो ये प्रैक्टिकल हो रहा है, अब मैं ये भी बताऊंगी, ये दोनों ही एक एक एकड़ है, तो मैं बताऊंगी कि किसमें से ज़्यादा जो झाड़ है वो आया है, मैग्नेटिक प्लांटर के साथ आया है या छट्टे वाली सरों के साथ, जिसको छट्टे से हमने भिगोया है उसके साथ। तो ये सरसों को अब जो है फल आना शुरू हो गया है। तो ये सरसों की कटाई के बाद हम इस खेत में लगाएंगे मक्की मैग्नेटिक प्लांटर के साथ गाय के साइलेज के लिए। तो तकरीबन हमने जो है 17 एकड़ जो सरसों लगाई हुई है, तो ये आगे वाले खेतों में भी सरसों ही हैं। तो ये सरसों जो है हॉलो बीज है इस, तो ये वाली सरसों भी मैग्नेटिक प्लांटर से ही लगाई हुई है बेडों के ऊपर, क्योंकि सरसों को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो बेड जब बन जाते हैं मैग्नेटिक प्लांटर के साथ तो पानी जो है बहुत ही हिसाब से लगता है सरसों को, तो इसीलिए बोलते हैं कि मैग्नेटिक प्लांटर वाली सरसों का झाड़ ज़्यादा होता है। तो ये जो सरसों है हमारी, ये छट्टे वाली है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सरसों के फूल। तो ये है ग्रीन फॉर्डर। तो ये सब ग्रीन फॉर्डर का हम साथ साथ में गाय को खिला भी रहे हैं, और साथ साथ में हम इसका जो हेलस भी तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी अब सभी खेत जो है खाली करके उसमें जो लगाएंगे मक्की साइलेज के लिए। उधर भी सरसों हैं हमारे खेतों में, और ये पीछे वाले जो राउंड बैक साइड में भी जितने भी खेत हैं इसमें सरसों ही हैं। तो जो सामने वाले खेत हैं इसमें जवी है, तो जवी का भी हम जो है हेलेज भी बनाएंगे थोड़ा, और साइलेज भी डालेंगे अपनी हीफर्स के लिए, क्योंकि हीफर्स के लिए जवी का जो साइलेज है बहुत अच्छा होता है। तो काफ़ी मोटा तना किया है सरसों ने, ये देखिए बहुत ही अच्छी
हाइट है इसकी। जब फसलें ऐसी अच्छी अच्छी होती है तो किसान की रूह खिल जाती है। तो वो साइड भी हमारे जो है बैक साइड में भी सरसों के खेत हैं, तो सरसों अब पूरी खिल गई है, बहुत ही अच्छे जो है फूल लग रहे हैं इसके। तो जे हेलस के लिए जो ग्रास है कट गया है और अब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट प्रक्रिया शुरू होगी हेलिस को बनाने की। तो हम कैसे इसको तैयार करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप मैं हर वीडियो आपसे शेयर करूंगी। इधर सभी सरसों हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।